Hello everyone, I'm Sejal Rathod and I'm back with a part 2 of Time of Supply. Jin logon ne mera first part nahi dekha hai, un log se request hai, please pehle mera first part dekh lo. First part mein hum log ne discuss kiya tha Time of Supply of Goods section 12 aur aaj hum log discuss karne wale hai Time of Supply of Services section 13. Services start karne ke pehle hum log ek quick revision kar lete hai Time of Supply of Goods ka, section 12 ka. सेक्शन 12 में हम लोग ने कवर किए थे तीन सब सेक्शन, सेक्शन 12-2 फॉरवर्ड चार्ज, सेक्शन 12-3 रिवर्स चार्ज एंड सेक्शन 12-4 वाउचर. फॉरवर्ड चार्ज में क्या होता है, सप्लायर पे लायबिलिटी होती है, टैक्स लायबिलिटी सप्लायर पे होती है, सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा. हमारे पास यहाँ पे डेट होगी डेट ऑफ इनवॉइस, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट. ये तीनों में से विच एवर इज अर्ली वाला जो डेट है वो हमारा हो गया टाइम ऑफ सप्लाई. रिवर्स चार्ज इज अ सेक्शन 12-3. यहाँ पे रिसीप्टेंट की लायबिलिटी होती है गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की. सप्लायर पे कोई लायबिलिटी नहीं होती है रिवर्स चार्ज में, रिसीप्टेंट गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा. यहाँ पे हमारे पास होगी डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिसीप्टेंट ऑफ गुड्स एंड डेट ऑफ पेमेंट. हम लोग को यहाँ पे 30 डेज एड करने हैं इनवॉइस डेट में, फिर विच एवर इज अर्ली वाला जो डेट है वो हो जाएगा हमारा टाइम ऑफ सप्लाई. सेक्शन 12-4 वाउचर. वाउचर में दो टाइप के वाउचर है हमारे पास, नोन वाउचर एंड अननोन वाउचर. इफ वाउचर इज नोन देन टाइम ऑफ सप्लाई कौन क्या हो जाएगा, डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, जो डेट को वाउचर इश्यू हुआ था वो डेट हमारा हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई. एंड अननोन वाउचर है तो जिस दिन हम लोग वाउचर रिडीम करेंगे वो डेट हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई. सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. सर्विसेज में भी आज हम लोग को तीन सब सेक्शन कवर करने हैं. सर्विसेज के लिए सेक्शन 13 है और आज हम लोग 13-2, 13-3 एंड 13-4 कवर करेंगे. 13-2 इज अ फॉरवर्ड चार्ज, 13-3 इज अ रिवर्स चार्ज एंड 13-4 इज अ वाउचर. सो ये आज हम लोग कवर करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस सेक्शन 13. हमारा यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आता है फॉरवर्ड चार्ज. फॉरवर्ड चार्ज के लिए सेक्शन है सेक्शन 13 सब सेक्शन 2. यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में तीन डेट्स दी होगी. डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज मींस कि जो दिन हम लोग ने सर्विस प्रोवाइड किया वो वाली डेट, डेट ऑफ इनवॉइस जो दिन हम लोग ने इनवॉइस जनरेट करा रहेगा वो वाली डेट एंड डेट ऑफ पेमेंट, पेमेंट की एक डेट विच एवर इज अर्लियर. ये तीनों डेट में से जो डेट अर्ली है वो डेट हमारी हो जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई. जब भी हम लोग ने गुड्स वाला डिस्कस किया था फॉरवर्ड चार्ज, तभी मैंने इनवॉइस आप लोग को बताया था कि इनवॉइस कब तक जनरेट हो जाना चाहिए. तो गुड्स वाले केस में ऐसा था कि एट द टाइम ऑफ रिमूवल या तो बिफोर रिमूवल हमारा इनवॉइस जनरेट हो जाना चाहिए था. बट यहाँ पे सर्विसेज में ऐसा नहीं है. सर्विसेज में हम लोग को देखना है इनवॉइस नीड टू बी इश्यूड आइदर बिफोर द प्रोविजन ऑफ सर्विस और विद इन 30 डेज. यानी कि हमारा सर्विस जब भी रेंडर्ड हुआ, सर्विस हमने जब भी प्रोवाइड किया उससे पहले पहले इनवॉइस बन जाना चाहिए था, या तो सर्विस रेंडर होने के बाद 30 डेज के अंदर हमारा इनवॉइस जनरेट हो जाना चाहिए फॉर नॉर्मल केसेस. अगर हमारे बैंकिंग कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो इसके लिए है 45 डेज का टाइम लिमिट. 45 डेज के अंदर तुम्हारा इनवॉइस जनरेट हो जाना चाहिए फ्रॉम सर्विस प्रोवाइड या सर्विस कंप्लीट हुआ, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस से 30 डेज के अंदर या तो 45 डेज के अंदर तुम्हारा इनवॉइस जनरेट हो जाना चाहिए. सो फॉरवर्ड चार्ज के लिए डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट, ये तीनों में से विच एवर इज अर्ली जो डेट आएगा वो हमारा हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई. रिवर्स चार्ज. रिवर्स चार्ज ऑफ सर्विस का सेक्शन है सेक्शन 13 सब सेक्शन 3. यहाँ पे इनवॉइस डेट प्लस 60 डेज करना है. जो भी हमारा इनवॉइस डेट होगा उसमें 60 डेज एड कर देना है एंड डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर वो हो जाएगा हमारा टाइम ऑफ सप्लाई. रिवर्स चार्ज मतलब रिवर्स चार्ज में टैक्स लायबिलिटी आती है रिसीप्टेंट पे, सप्लायर पे यहाँ पे कोई लायबिलिटी नहीं है.
सप्लायर टैक्स नहीं पे करेगा या फिर रिसिप्ट इन टैक्स पे करेगा, तो जो भी हमारा इनवॉइस डेट है उसमें 60 डेज ऐड करोगे, और जो नेक्स्ट डे आएगा 61st वाला जो डे आएगा वो डे डेट ले लोगे, वो डेट और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्ली हमारा हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर सेक्शन 13(4). अभी ये वाउचर जो है वो सिमिलर टू गुड्स है, गुड्स में जैसे था नोन वाउचर एंड अननोन वाउचर, वैसे ही यहाँ पे भी सर्विसेज में भी नोन वाउचर है और अननोन वाउचर है। इफ वाउचर इज नोन देन डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर इज टाइम ऑफ सप्लाई, इफ वाउचर इज अननोन देन डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर इज योर टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई के 2-3 पॉइंट अभी भी डिस्कस करने बाकी है जो हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और अभी फिलहाल हम लोग एक एग्जाम्पल लेके टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज का फॉरवर्ड चार्ज का एक एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है टीवाई बीकॉम अप्रैल 2019 के पेपर से, लास्ट ईयर के पेपर में ये क्वेश्चन आया है। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई क्वेश्चन 4B। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एज पर द प्रोविजन ऑफ GST। अभी क्वेश्चन रीड करके आपको समझ में आना चाहिए कि ये गुड्स का क्वेश्चन है या सर्विस का है, फॉरवर्ड चार्ज है, रिवर्स चार्ज है, क्या है, ये आपको क्वेश्चन रीड करके समझ में आना चाहिए। सो यहाँ पे हम लोग को बोला है डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस मीन्स ये सर्विस का समय, और यहाँ पे कहीं पे भी रिवर्स चार्ज वर्ड यूज नहीं हुआ है, तो ये हमारा फॉरवर्ड चार्ज का समय सेक्शन 13(2) फॉरवर्ड चार्ज। तो फॉरवर्ड चार्ज के लिए हम लोग ने देखा था कि हमारे पास क्वेश्चन में होगा डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट, ये तीनों डेट है हमारे पास। और हम लोग को क्या चेक करना है यहाँ पे कि हमारा इनवॉइस 30 डेज में रेज हुआ है कि नहीं, वो चेक करना है। सो लेट्स स्टार्ट। डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इज 16th July 2019। हमारी सर्विस प्रोवाइड हुई थी 16 जुलाई को, तो 16 जुलाई से 30 डेज के अंदर या 16 जुलाई से पहले हमारा इनवॉइस जनरेट हो जाना चाहिए। सो यहाँ पे हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि हमारा इनवॉइस 30 डेज में रेज हुआ है कि नहीं। देखो ये तीनों डेट तो हम लोग को क्वेश्चन में मिल गई है, हमें और दो कॉलम्स बनानी है, दैट इज इनवॉइस रेज विद इन 30 डेज, यहाँ पे येस और नो लिखेंगे, एंड टाइम ऑफ सप्लाई। सो नाउ 16 जुलाई एंड इनवॉइस रेज हुआ है 19 जुलाई। 19 जुलाई को इनवॉइस रेज्ड हो गया, इट मींस विद इन 30 डेज इनवॉइस रेज्ड हो गया है। सो ये कॉलम में हम लोग लिख देंगे यस इनवॉइस रेज्ड विद इन 30 डेज, यस। अगर ये हो जाता है यस, तो आपको कैंसिल करनी है डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा हमारा कैंसिल। अभी हमारे पास दो डेट्स बचे हैं, डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट। ये दोनों में से विच एवर इज अर्लियर वाला जो डेट है वो हमारा हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। सो 19th of July एंड 24th of July पेमेंट हुआ है 24th July को। सो 19 जुलाई अर्लियर डेट है, तो 19 जुलाई हमारा हो गया टाइम ऑफ सप्लाई फॉर फर्स्ट केस। 19 जुलाई 2019 इज टाइम ऑफ सप्लाई। सेकेंड केस में हमारे पास डेट है 6th of October। 6 अक्टूबर को हम लोग ने सर्विस रेंडर किया था या सर्विस प्रोवाइड किया था, और हमारा इनवॉइस जनरेट हुआ है 17th November आफ्टर 30 डेज। अगर आप 30 डेज ऐड करोगे 6 अक्टूबर में, इट मीन्स के 5th November तक या 6th November तक आपका इनवॉइस जनरेट हो जाना चाहिए था, बट यहाँ पे 5th November तक इनवॉइस जनरेट नहीं हुआ है, आफ्टर 5th November 17th November इनवॉइस जनरेट हुआ है। तो इनवॉइस रेज्ड विद इन 30 डेज में हम लोग नो डाल देंगे। अगर ये कॉलम में नो आता है
तो आपको करना है इनवॉइस डेट को कैंसिल. इनवॉइस डेट हो गया कैंसिल. सो अभी हमारे पास बचा है डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट. ये दोनों डेट में से जो डेट अर्लियर होगा वो डेट हमारा हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई. सो 6th अक्टूबर एंड 18th नवंबर. सो 6th अक्टूबर इज अर्लियर. सो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई इज 6th ऑफ अक्टूबर 2019. इन थर्ड केस 4th दिसंबर 2019 और इनवॉइस जनरेट हुआ है 3rd दिसंबर 2019. सर्विस रेंडर होने से पहले बिफोर सर्विस प्रोवाइड हमारा इनवॉइस जनरेट हो गया है. जब भी इनवॉइस पहले ही जनरेट हो जाता है तो ये वाले केस में इनवॉइस जनरेट 30 डेज वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे यस. और यस के लिए जो ट्रीटमेंट करते हैं वही ट्रीटमेंट करना है. जब भी यहाँ पे यस लिखते हैं तो हम लोग को डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस कैंसिल करना है. तो डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस को कर दिया कैंसिल. अभी हमारे पास दो डेट बच गए, डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्ली. सो आर डेट ऑफ इनवॉइस इज 3rd दिसंबर 2019 एंड पेमेंट डेट इज 6th जनवरी 2020. सो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा 3rd दिसंबर 2019. क्वेश्चन 4D. ये क्वेश्चन TY BCom अप्रैल 2019 के पेपर का है. डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एज पर द प्रोविजन ऑफ GST. अभी यहाँ पे हम लोग को दिया है क्वेश्चन में डेट ऑफ रिमूवल, डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट. सो ये हमारा गुड्स के रिलेटेड सम है और यहाँ पे कहीं पे भी हम लोग को रिवर्स चार्ज वर्ड नहीं दिख रहा है. तो ये नॉर्मल केसेस है. नॉर्मल केस का हमारा फॉरवर्ड चार्ज का क्वेश्चन है ये सेक्शन 12(2) फॉरवर्ड चार्ज ऑफ गुड्स. तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखना था, डेट ऑफ रिमूवल. इट मीन्स के ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस हो गया. डेट ऑफ रिमूवल मतलब कि ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इन एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. तो यहां पे हम लोग ने देखा था इन फॉरवर्ड चार्ज ऑफ गुड्स सेक्शन 12(2) डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, ये दोनों में से कोई एक डेट और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्ली हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा. सो क्वेश्चन में हमारे पास डेट ऑफ रिमूवल है एंड डेट ऑफ इनवॉइस, ये दोनों डेट में से कोई एक ही डेट कंसिडर करना है और डेट ऑफ पेमेंट बचेगा उसमें से विच एवर इज अर्ली वाला डेट. सो चलो स्टार्ट करते हैं. डेट ऑफ रिमूवल, डेट ऑफ रिमूवल मतलब कि हमारा ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस है, ये डेट से पहले या तो ये डेट के दिन हमारा इनवॉइस जनरेट हो जाना चाहिए. डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट. अभी हम लोग को डेट ऑफ रिमूवल और डेट ऑफ इनवॉइस में से कोई एक डेट सेलेक्ट करना है. सो फर्स्ट केस में देखते हैं 15th अप्रैल 2019 को हमारा गुड्स रिमूव हो गया था. इट मीन्स 15th अप्रैल के दिन या 15th अप्रैल से पहले हमारा इनवॉइस जनरेट हो जाना चाहिए. लेकिन यहाँ पे इनवॉइस जनरेट हुआ है 18th अप्रैल को आफ्टर रिमूवल. सो हम लोग इनवॉइस डेट को कर देंगे कैंसिल एंड अभी हमारे पास बचेगा रिमूवल डेट एंड पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर. सो 15th अप्रैल एंड 26th अप्रैल. सो 15th अप्रैल इज अर्लियर. सो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा 15th ऑफ अप्रैल 2019. इन सेकेंड केस 15th मई 2019 इज अ डेट ऑफ रिमूवल. सो 15th मई या 15th मई के पहले हमारा इनवॉइस जनरेट हो जाना चाहिए. तो यस, यहाँ पे 14th मई को इनवॉइस जनरेट हो गया है. सो अभी हम लोग रिमूवल डेट को कर देंगे कैंसिल. जब भी हमारा इनवॉइस ड्यू डेट से पहले हो गया तो हम लोग रिमूवल डेट को कैंसिल कर देंगे. या तो आप इजीली ऐसे भी सोच सकते हो, डेट ऑफ रिमूवल और डेट ऑफ इनवॉइस में से भी आपको विच एवर इज अर्ली वाला डेट लेना है और
फिर जो डेट बचेगा उसमें से और पेमेंट डेट में से विच एवर इज अर्ली वाला डेट. सो 14th ऑफ मे एंड 16th में विच एवर इज अर्ली. सो 14th मे 2019 इज आर टाइम ऑफ सप्लाई. इन थर्ड केस 1st अक्टूबर को हमारा रिमूवल हुआ था, इनवॉइस जनरेट हुआ 16th अक्टूबर. सो हमारा ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस है 1st ऑफ अक्टूबर. 1st अक्टूबर या तो 1st अक्टूबर से पहले इनवॉइस बनना चाहिए था, यहाँ पे पहले इनवॉइस नहीं बना है, बाद में बना है. तो इनवॉइस डेट हो जाएगा कैंसिल 1st अक्टूबर और 19th अक्टूबर, विच एवर इज अर्ली. सो 1st अक्टूबर इज अर्ली. सो आर टाइम ऑफ सप्लाई इज 1st अक्टूबर 2019. अभी आप लोग मुझे ये दोनों केसेस 4th और 5th गुड्स वाला एंड क्वेश्चन नंबर जो हम लोग ने किया सर्विस वाला, उसमें भी लास्ट टू केसेस बाकी है, वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि उसमें टाइम ऑफ सप्लाई की डेट कौन सी आएगी, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस की डेट एंड टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स की डेट क्या आएगी, आप मुझे कमेंट करके बताइए.